आदिल राजा, या अदील राजा, आदिल राजा, वो बड़ी अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे खामोश मुजाहिद ये कह रहे हैं। उन्होंने मेरी एक ट्वीट का रिप्लाई कर दिया तो लोगों ने कहा कि आप क्या चाहती हैं कि आपको ब्लैक वीगो काली वीगो जो है वो उठा के लेकर चले जाए। ये वो सच्ची बातें करते हैं, उनके वाकई इतने मुसद्दका जराए हैं जो उनको सच बताते हैं, या वो बस हैंगी पैंगी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? राजा ठीक कहता है या गलत कहता है मुझे उसका तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज है कि उसके जराए अंदर बहुत, उसके तमाम अदारों में, इनमें उसका उसकी बुनियादी वजह है कि वो कई साल तक इन्हीं अदारों के लिए काम करता रहा। वो हमारा पर्सन था, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का स्पोक्स पर्सन था जिसका मैं प्रेसिडेंट, और उसने हमने बुनियादी तौर पे, क्योंकि एक सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो एक तरह की आर्मी की आप कह लीजिए कि सेकंड स्ट्रिंग है, उसके पुश्त पनाही पे काम करती है कि उसको सपोर्ट मिले रिटायर्ड लोगों से। लिहाजा हम जो कुछ भी स्टेटमेंट को प्रेस रिलीज देते हैं, कुछ भी करते हैं, जो आर्मी खुद नहीं कह सकती वो हम कह देते हैं, और हम मुशावरत से ये सारा काम करते हैं। तो ये हमारा मीडिया हैंडलर भी था और साथ ये स्पोक्स पर्सन था। नतीजा ये कि मीडिया हैंडलिंग की वजह से मीडिया में भी उसके कॉन्टेक्ट थे, और ISI और ISPR और GHQ वगैरह में वो, क्योंकि ब्रीफिंग वगैरह लेता था जाके, तो उसके कॉन्टेक्ट मौजूद, तो हो सकता है कि वो अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करें। लेकिन गलत हैंडलिंग यहाँ पे ये हुई कि जब वो उसने कोई एक दो ट्वीट्स की इमरान खान की फेवर में, तो इनको चाहिए था कि उस पर इतना रिएक्ट न करते, उसको बुला के समझा देते। रिएक्ट इन्होंने ये किया कि उसके घर पे दो दफा FIA को ले जाके रेड किया, उसकी माँ के साथ बदतमीजी की, उसके पास गालिबन सिटीजनशिप है इंग्लैंड की, उसकी वाइफ इंग्लैंड की रहने वाली है, वहां की सिटीजन है, वो इंग्लैंड भाग गया। अब उसने जो इनके हाथों जिल्लत उठाई तो वो उसका बदला चुका रहा है। तो ये चीजें तो उन्होंने सबके साथ, नादिया तुम्हें तो पता है मेरे पीछे FIA नहीं लगाई, हम लोग बड़े जी मेच्योर हैं कि उसके बावजूद मुझे FIA वाले ने कहा कि जना हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपका अपना महकमा आपसे नाराज है, उनको जाके बात कर। तो बात यह है कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे, और अपने ही ऑफिसर जो सारी जिंदगी आपके लिए काम करते हैं, मैं 14-15 साल से देखो ना नादिया तेरे साथ बेशुमार प्रोग्राम किए, यू नो कि मैंने हमेशा आर्मी को डिफेंड किया, बिल्कुल बिल्कुल 101%। बहुत किया। लेकिन ये कि कभी अगर पॉलिटिकल साइड पे आपके कोई डिफरेंसेस आ भी जाते हैं, तो आर्मी का काम नहीं है कि वो सियासत में हो, सो उन्हें पुरानी मनाना चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा के ऑर्डर्स पे ये इसके साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा काबिले मजम्मत है। अब वो जाके इनके हाथ से निकल गया तो वो जाके बाहर गंद मचा रहा है, जबकि मैं समझता हूं कि उसके साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की, उसके उसके घर पे जिस तरह रेड्स किए, वो कोई डाकू चोर तो नहीं था कि आप रेड कर करके उसको पकड़ना चाहते हैं। उस शख्स के साथ इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद वो गुस्सा निकाल रहे, इनको करना नहीं चाहिए था। ये कोई मेच्योर हैंडलिंग होती है, हर किसी को जाके आप, यानी आप इससे अंदाजा कर लो ना कि मेरे ये हाथों के पड़े हुए सारे बाजवा शाजवा सारे, मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और हमारी बेतौकीरी करने पे तुल गए कि जनाब आप FIA नैब ये FDR पीछे लगा दिए। तो जब ये का कर्म है, मैंने तो कोई ऐसा हरकत की नहीं हुई, ना FDR से मसला आया ना किसी और से, सारी चीजों में सुरखरू हुए अल्लाह की रहमत से। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या आप अपने बुजुर्गों को इस तरह ट्रीट करते हैं। हम अगर मुंह खोले तो हम गैर जमादार कहलाएंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि बजाय इसके कि हमारे तजर्बे और हमारे मशवरे से फायदा लें कि हम इनको गाइड करें कि देखो ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे, आप उल्टा थानेदारी दिखा रहे हैं। We'll be right back.